उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार से टोल टैक्स की वसूली का काम शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे पर टोल वसूलने के लिए तमाम टोल प्लाजा रविवार सुबह 8 बजे से काम कर रहे हैं। लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने को लेकर एक सकारात्मक रुख दिखाया है। टोल लगाने के फैसले के बाद तमाम लोगों ने यह कहा है कि सरकार अगर अच्छी सुविधा देती है तो इसके लिए थोड़ा शुल्क देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन प्लांट्स के लिए कोयले की ढुलाई कराने को तमाम मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है। रेलवे की ओर से इन मालगाड़ियों को चलाने के लिए तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया है। रद्द हुई ट्रेनों में उत्तर प्रदेश की तमाम रेलगाड़ियां भी शामिल हैं, जिनके रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कैंसिल हुई ट्रेनों के कारण कई चल रही ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ भी दिख रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस ने गैंगस्टर के 2 आरोपियों की 1,18,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस ने यहां पर शहीर और कलीम नाम के 2 आरोपियों की संपत्ति को मुनादी कराकर कुर्क किया है। इन दोनों पर यहां के दरियाबाद और टिकैत नगर इलाकों में कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मैं बताना चाहूँगा कि टिकैत नगर थाने पर भी एक गोवध तस्कर है, उसके खिलाफ भी आज कार्रवाई की गई है। उसका नाम है सहीर सनाब शमीम, अलियाबाद का रहने वाला है और इसकी भी चल अचल कुल संपत्ति मिला के 1,16,00,000 के आसपास है। ये कार्रवाई भी टिकैत नगर में की गई है और इस तरह अवैध कारोबार में संलिप्त जितने भी अपराधी होंगे जनपद के और जो भी अपराध से कारित संपत्ति उनकी होगी, सबके खिलाफ 14 की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर बिजली की कटौती ना की जाए। इस बीच भीषण गर्मी और बिजली कटौती से प्रदेश की जनता को दोहरी मार पड़ रही है। इसे लेकर सीएम योगी ने बैठक में तमाम सख्त निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि बिजली के संकट को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं। यूपी में संगठन के स्तर पर अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने आगामी 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में 10,000 तिरंगा शाखाओं की शुरुआत करने का फैसला किया है। आने वाले 6 महीने में पार्टी इन शाखाओं से तमाम लोगों को जोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पार्टी यूपी के सभी वार्डों में चेयरमैन और मेयर पद पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए 30 घरों पर एक मोहल्ला प्रभारी भी बनाया जाएगा।